हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्टल या फिर पीजी के गाइडेंस के बारे में। तो आई होप कि अब तक आपने अपना जो डिसीजन है वो बना लिया होगा कि आप हॉस्टल में स्टे करने वाले हो या फिर पीजी के अंदर, क्योंकि ये डिसीजन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि हॉस्टल में रहना चाहे या फिर पीजी के अंदर। अगर हॉस्टल में जाते हो तो एक साथ आपको यहाँ पे अपनी फीस पे करनी होगी। अगर आप यहाँ पे पीजी में जाना चाहते हो तो आपको हर एक महीने के ऑन एन एवरेज 7000 रुपीज निकालने पड़ेंगे। तो 12 × 7000 काफी ह्यूज अमाउंट होता है। और इसके सामने अगर आप हॉस्टल में देखो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चीप लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको हॉस्टल में स्टे करना है या फिर यहाँ पे आपको पीजी के अंदर स्टे करना है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे अपना जो डिसीजन है बना लिया है। बट इसके लिए यहाँ पे मैं आपको सिंपलिस्टिक कुछ स्टेप्स फॉलो करवाना चाहता हूँ कि इसीलिए जब आप अपने घर से हॉस्टल या फिर पीजी के ऊपर शिफ्ट होते हैं ना, तब स्टूडेंट को जो भी डिफिकल्टीज होती है ना, वो मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता हूँ कि वो पॉइंट्स में सबसे पहला है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ LI लिख रहा हूँ, तो आप सबसे पहले तो लिस्ट बना लो कि आपको कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी साधन है कि जो आपको पूरी अपनी डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है। अब इसमें आपको किस तरह से करना होगा कि ताकि कोई भी वस्तु आप यहाँ पे छूटे नहीं, इसीलिए आप सुबह दिन में उठ के जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो वो सारा एक टास्क बना लीजिए और उसका एक पेन एंड पेपर में लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए कि सुबह उठ के आप सबसे पहले तो ब्रश करते हो, तो टूथपेस्ट यहाँ पे आ गए, ब्रश आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे टंग क्लीनर यूज करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे वॉशरूम जाते हो, उसके बाद बाथरूम में नहाने जाते हो तो सोप आ गया, टॉवेल आ गया, उसके बाद आपके कपड़े आ गए, शूज आ गए। यानी कि एट द एंड जब भी आपकी दिन की शुरुआत होती है और जब भी आप सोने में बेड में जाते हो ना, बेड के ऊपर, तो इस बीच आपने कौन कौन सी चीजें यूज करी वो सारी एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि हॉस्टल में ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता है। ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से ही खरीद के लाना होता है, वहां पे कोई भी आपको फैसिलिटीज दी नहीं जाती है। सेम फॉर द पीजी, पीजी में भी यहाँ पे कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज योर ऑन। तो इसीलिए यहाँ पे आप जब सडनली अपने घर से निकल के अब हॉस्टल में शिफ्ट होते हो, तब ये सारी चीजें जरूर से याद कर लेना। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे बंदा बैठा है गिर और सोमनाथ ने, उसने यहाँ पे LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो उसके घर से LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे का यहाँ पे रास्ता लग रहा है। मतलब 9 से 10 घंटे की जर्नी करके बाद मतलब वो अहमदाबाद पहुंचता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई आपकी इंपॉर्टेंट चीज आप भूल गए ना अपने घर गिर सोमनाथ में, तो वो काफी डिफिकल्टी पैदा कर सकती है आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो इसीलिए अगर आप इस तरह से एक लिस्ट बना लोगे तो आपके लिए काफी ईजी रहे, आप कुछ भूलोगे भी नहीं और यहाँ पे आपकी जितनी भी थिंग्स थी, जितनी भी जरूरियात थी, वो सब कुछ आप ले पाओगे। पॉइंट नंबर 2, हैव अ डिस्कशन विथ योर सीनियर। यानी कि जो भी लोग ऑलरेडी हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं ना, उसके साथ वहाँ पे बात करो कि हॉस्टल में किस तरह की फैसिलिटीज है। अगर गर्म पानी मिलता है तो कितने बजे तक अवेलेबल है, पानी कितने बजे तक आता है, लॉन्ड्री में क्या करना होगा, खाने में क्या करना होगा, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मतलब किस तरह से है, फिर यहाँ पे क्लीनिंग का किस तरह से प्रोसीजर है। तो ये आप अपने हॉस्टल में जो लोग ऑलरेडी से स्टे कर रहे हैं उसके साथ से ये सारी इंक्वायरी करो। और उसके बाद आप यहाँ पे मतलब कोई अच्छा सा, मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ पे बेड बदल नहीं आता है, तो आप अपनी बेड सीट ले जा सकते हो और आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी खुद की बेड सीट लगा सकते हो। तो इसीलिए ये सारी डिटेल्स आपको जो अपने सीनियर से उससे लेनी होगी। पॉइंट नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक योर मेडिसिन। यानी कि आप अपनी मेडिसिन डेफिनेटली ले जाना, मेडिसिन का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मेडिसिन का फायदा इसलिए यहाँ पे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप पिछले 12 सालों से राजकोट में स्टे कर रहे हो और जब भी आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है, वेन यू गेट सिक, आप अपने एक जो फिक्स डॉक्टर होते हैं ना, फैमिली डॉक्टर, उसके पास से ही मेडिसिन लेते हो, तो वो डॉक्टर को भी आपका पूरा केस पता होता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री किस तरह से है। अब यहाँ पे राजकोट से आप शिफ्ट हो जाते हो अहमदाबाद के अंदर और सडनली आपको कुछ सर्दी खांसी आती है और वहाँ पे कहीं पर आप मेडिसिन लेने जाते हो और वो शायद मेडिसिन ही आपको सूट ना करे, आपको उसके साइड इफेक्ट हो, तो इसीलिए जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उसके पास आप जाना, वहाँ पे एक विजिट करना और वो आपको पूरी की पूरी एक मेडिकल किट तैयार करके देंगे और वो मेडिकल किट के अंदर सब कुछ लिखा होगा। यानी कि हर कोई दवाई यहाँ पे आपको दी होगी मेडिकल किट में। तो मेडिकल किट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, मेडिकल किट का
भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए पॉइंट नंबर 3 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेडिकल किट। फोर्थ पॉइंट, हॉस्टल में मतलब मेन थिंग इज हॉस्टल के अंदर एनवायरनमेंट किस तरह का है, ये आपको सबसे पहले देखना होगा, क्योंकि अब जनरली कोई भी कॉलेज में रेगिंग का केस नहीं होता है, बट ये आप डेफिनेटली जान लेना कि रेगिंग का मतलब ऐसा कुछ है कि नहीं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑल ऑफ द जूनियर जो आप मतलब कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो, उसके लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हॉस्टल के अंदर एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट हो, सिक्योर एनवायरनमेंट हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज फर्स्ट साल में रेगिंग इज अ क्राइम, सो इसीलिए मेक श्योर कि यहाँ पे आप मतलब एक बार पूरी यहाँ पे मतलब जान पहचान हो जाए, और उसके बाद ही आप यहाँ पे अच्छे से इंक्वायरी करके आप अच्छी तरह से हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे ये मैंने जो 4 मेजर पॉइंट यहाँ पे आपको दिलवाए ना, वो आपके लिए जो भी हॉस्टल या फिर पीजी में जा रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए जिसमें से सबसे पहला पॉइंट था कि आप यहाँ पे एक लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल के सीनियर के साथ बात कीजिए, आप अपनी मेडिकल किट लेके जाइए, और उसके बाद एनवायरमेंट भी चेक कर लेना कि किस तरह से यहाँ पे हॉस्टल के अंदर सब कुछ फैसिलिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके पास लास्ट 2 मिनट में एक गोल्डन एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहले मतलब जब आप मान लीजिए कि हॉस्टल में नहीं जाते हो और आप जाते हो पीजी के अंदर, तो देखिए यहाँ पे पीजी के अंदर मेरी गाइडेंस, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप भले ही पीजी में जाते हो, बट यहाँ पे आप ऑलरेडी एक साथ पेमेंट मत करना, आप पीजी के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो। यानी कि अहमदाबाद जैसे बड़े सिटी में सिर्फ एलडी कॉलेज के आसपास ही देयर आर सो मेनी पीजीज इन विद इन 1 किलोमीटर रेंज, विद इन वॉकिंग डिस्टेंस आपको काफी सारे पीजी यहाँ पे मिल जाएंगे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस के आसपास। तो यहाँ पे हर कोई की अपनी अपनी अलग फैसिलिटीज होती है, कोई खाने का मतलब कॉस्ट इंक्लूड कर देता है, कोई खाने का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करता है, कोई सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ रहने के लिए 4 दीवार ही प्रोवाइड करता है, इसके अलावा कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो प्राइस यहाँ पे काफी डिफरेंट करेगी, कोई यहाँ पे 3-3.5 हजार में रह रहा है, तो कोई यहाँ पे 10 हजार भी पे कर रहा होगा, किसी का यहाँ पे एसी के साथ आपका खर्चा निकल रहा है सिर्फ 8 हजार महीने का, तो उसी वक्त दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे एसी के साथ वो 10 हजार दे रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले आप फर्स्ट मंथ के लिए कोई भी पीजी में चले जाओ, फर्स्ट मंथ के लिए इतना आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, बट धीरे धीरे ऑन योर सेकेंड ऑन योर थर्ड मंथ आप पीजी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए, आप सब कुछ देखना स्टार्ट कीजिए कि कौन सा पीजी आपके लिए बेस्ट रहेगा। पीजी में भी ये देखना कि इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और वहां पे भी एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। सो आफ्टर कंपेयरिंग ऑल ऑफ दिस पॉइंट यू कैन गो विथ एनी ऑफ द पीजी। यहाँ पे अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल में भी आपके पास काफी सारी हॉस्टल अवेलेबल होगी, पहली होगी कॉलेज की हॉस्टल, दूसरी होगी प्राइवेट हॉस्टल, और उसके बाद मैं यहाँ पे कास्ट जो होती है ना मतलब कड़वा पटेल की हॉस्टल होती है, एसपी हॉस्टल होती है, तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी हॉस्टल आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी, और ऑन द ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स, ऑन द ऑल ऑफ दिस बेसिस यू कैन सिलेक्ट अ कॉलेज और यू कैन सिलेक्ट अ पीजी अदरवाइज हॉस्टल फॉर यू। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।